Hello everyone, I am going to discuss conversion of infix expressions to prefix expressions using stack. Let A is an arithmetic expression written in infix form, and prefix algorithm finds the equivalent prefix expressions B. हमें क्या फाइंड करना है, बी वो किस फॉर्म में होगा, प्रीफिक्स फॉर्म में. सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवेन है, इस एक्सप्रेशन में हम प्रीफिक्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और उसका इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. एप्लीकेशन ऑफ स्टैक वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन डायरेक्टली यानी विदाउट यूजिंग स्टैक. सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी, अगर इसको डायरेक्टली आप प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ऑपरेंड है, ये क्या है आपका ऑपरेटर, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी इंटू सी, ये फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकेंड ऑपरेंड, ये इधर आ जाएगा, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा, स्टार प्लस ए बी सी. सेम अब हम यहां पे जो भी एक्सप्रेशंस गिवेन है उसको हम स्टैक की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस में. आइए देखते हैं इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस में. फर्स्ट स्टेप, जो भी आपका इनफिक्स एक्सप्रेशंस गिवेन है उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी जो रिवर्स करेंगे कौन सा, इनफिक्स एक्सप्रेशंस को, तो आफ्टर रिवर्स क्या आएगा, रिवर्स द एक्सप्रेशंस, तो हो जाएगा ये आपका टी टी स्टार एस स्टार आर एक्सपोनेंशियल क्यू डिवाइड पी लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस ओ स्टार एन एंड आपका ओपन पैरेंथेसिस या लेफ्ट पैरेंथेसिस. सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो भी आपके लेफ्ट पैरेंथेसिस हैं उनको हम राइट पैरेंथेसिस से रिप्लेस करेंगे, और जो आपके राइट पैरेंथेसिस हैं उनको हम लेफ्ट पैरेंथेसिस से रिप्लेस करेंगे, या जो आपके ओपन हैं उनको क्लोज से रिप्लेस करेंगे, और जो क्लोज हैं उनको ओपन से रिप्लेस करेंगे. तो एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका टी स्टार, ये आपका क्या है, राइट पैरेंथेसिस और क्लोज्ड पैरेंथेसिस, तो उस केस में इसको हम ओपन कर देंगे. एस स्टार दिस आर एक्सपोनेंशियल पी, ये आपका क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसको राइट से रिप्लेस करेंगे, माइनस ओ स्टार एन एंड क्लोज पैरेंथेसिस. तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया आफ्टर रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशंस. अब इस एक्सप्रेशंस को हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, ईच एलिमेंट जो भी एलिमेंट है उनको लेफ्ट टू राइट वन बाय वन स्कैन करेंगे. तो यहां पे हम लेते हैं आपका स्कैंड, यानी जो एलिमेंट आप स्कैंड करने वाले हैं, अगेन स्टैक, जो स्टैक में एलिमेंट आप पुश करेंगे, और यहां पे आपका क्या है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी बी. ठीक है, अब यहां पर हम यहां पे स्कैंड जो एलिमेंट्स करेंगे वो क्या होंगे, या तो आपका ऑपरेंड होगा या ऑपरेटर होगा या लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा या राइट पैरेंथेसिस होगा. तो यहां पे हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, एन इन ये हो गया आपका प्लस एम, ये रह गया था इसको आप और ऐड कर लीजिए प्लस एम. बिफोर स्कैनिंग हमें क्या करना है, यहां पर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में स्टोर करना है, और जो आपका एक्सप्रेशन आया है आफ्टर रिवर्स उसके राइट साइड में हम क्या करेंगे, राइट पैरेंथेसिस को ऐड कर देंगे. तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप. अब यहां पे हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका क्या है, टी 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 इज एन ऑपरेंड, अगर आपका ऑपरेंड एलिमेंट है जो हम स्कैन कर रहे हैं, अगर ऑपरेंड एनकाउंटर्ड होता है उस केस में ऑपरेंड को हम एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो यहां पे क्या होगा, ये आपका टी यहां पे आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका स्टार, स्टार अगर आपका एलिमेंट क्या है, ऑपरेटर है,
उस केस में क्या करेंगे हम, स्टैक में इसको पुश कर देंगे। यहां पे क्या होगा, सिंपल टी। नेक्स्ट ओपन पैरेंथेसिस और लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड, लेफ्ट पैरेंथेसिस उस केस में हम इसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट एस, एस क्या है आपका ऑपरेंड, जब भी आपका ऑपरेंड अपीयर होगा, एनकाउंटर्ड होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑपरेंड को डायरेक्टली एक्सप्रेशंस में ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका टी एस। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टार, यानी स्टार क्या है आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर को क्या करेंगे, सिंपल हम पुश कर देंगे स्टैक में, टी एस। नेक्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस, उस केस में आपको क्या करना है, स्टैक में इसको सिंपल पुश कर देना है, टी एस। नेक्स्ट स्कैन करते हैं आर, आर क्या है आपका ऑपरेंड, ऑपरेंड को क्या करना है, ऑपरेंड के केस में आपको सिंपल उसको एक्सप्रेशन में ले जाके ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना, ये ऐड हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या है आपका ऑपरेटर, जब ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होगा तो जो आपका यहां पे स्टैक है डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो ये आपका हो गया दिस स्टार, स्टार यहां पे आपका एक्सपोनेंशियल आ गया और यहां पे क्या है एक्सप्रेशन में, टी एस आर। नेक्स्ट एलिमेंट स्कैन करते हैं क्यू, ये है कैपिटल क्यू, क्यू आपका ऑपरेंड्स है तो ऑपरेंड्स को क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस में ऐड करना है, स्टार स्टार दिस टी एस आर क्यू। नेक्स्ट डिवीजन है, डिवीजन तो इस केस में क्या होगा आपका, जैसे ही आपका डिवीजन मींस ऑपरेटर है और जो ऑपरेटर आप एनकाउंटर्ड हो रहा है या जो ऑपरेटर आप स्कैन कर रहे हैं वो ऑपरेटर और जो स्टैक का टॉप ऑपरेटर है, अगर आपका जो आपने स्कैन किया है उसका प्रेसिडेंस क्या है, लो है, जो आपका स्टैक में टॉप ऑपरेटर है उससे, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हाई प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होता है उसको एक्सप्रेशंस में ऐड करेंगे और जो लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो यहां पे आपका, आपको पता है सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका होता है, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद डिवीजन एंड स्टार, देन प्लस एंड माइनस, तो ये आपको पता है। तो यहां पे सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका है, एक्सपोनेंशियल का, ये क्या है लो प्रेसिडेंस का है, उस केस में क्या होगा, स्टार स्टार और आपका स्लैश यानी डिवीजन यहां पे आ जाएगा, टी एस आर क्यू और एक्सपोनेंशियल यहां पे आ जाएगा। तो ये सिचुएशन होगा। नेक्स्ट एलिमेंट रीड करते हैं पी, पी पी आपका सिंपल क्या है, ऑपरेंड, जैसे ही ऑपरेंड एनकाउंटर्ड होगा क्या करना है हमको, एक्सप्रेशंस में ऐड कर देना है, टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल P। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, क्लोजिंग ब्रैकेट या राइट पैरेंथेसिस, अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर्ड होता है उस केस में जो आपका स्टैक होगा उस स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है या नेक्स्ट टॉप एलिमेंट, तब तक सारे ऑपरेटर को ऐड करते जाएंगे एक्सप्रेशंस में जब तक कि आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड नहीं होता। यहां पे क्लोज पैरेंथेसिस है तो यहां पे क्या सिचुएशन होगा, स्टार स्टार यानी आपका ये जो डिवीजन है ये एक्सप्रेशंस में ऐड हो जाएगा और जो आपका ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है ये रिमूव हो जाएगा स्टैक से। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल पी डिवीजन और ये वाला आपका जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है यह क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्कैन करते हैं क्या है, निगेटिव यानी माइनस, माइनस के केस में क्या होगा, सेम रूल्स जो आपने यहां पे अप्लाई किया था, इसका प्रेसिडेंस क्या है, लो है, किससे, स्टार से, तो स्टार कहां पे ऐड हो जाएगा, एक्सप्रेशंस पे, और जो आपका निगेटिव है ये कहां आ जाएगा,
टॉप ऑफ द स्टैक, यानी स्टैक में हम इसको पुश कर देंगे। तो यहां पे क्या आ गया, निगेटिव या माइनस, ये हो गया आपका टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल पी डिवीजन, यहां क्या आ जाएगा आपका स्टार, स्टार यहां ऐड हो जाएगा और जो आपका माइनस है ऑपरेटर वो यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट स्कैन करते हैं, ओ। ओ क्या है आपका, सिंपल ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड्स को क्या करना है, एक्सप्रेशंस में ऐड कर देना है। तो यहां पे आपका स्टार माइनस टी एस आर क्यू पी डिवीजन स्टार, और ओ को क्या करेंगे हम, सिंपल एक्सप्रेशंस में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, स्टार यानी ऑपरेटर। जैसे ही आपका ऑपरेटर इनकाउंटर्ड होगा उस केस में क्या होगा, अब यहां पे देखिए इसका प्रेसिडेंस क्या है, लो है, इसका प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, है ना, यहां पे ये क्या है, लो है, ये हाई है, उस केस में कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको पुश कर देना है ऑपरेटर को। तो ये क्या हो गया, टी एस आर क्यू पी डिवीजन स्टार ओ। नेक्स्ट और एलिमेंट स्कैन करते हैं, एन। एन एन क्या है आपका, एन बेसिकली में आपका ऑपरेंड्स है, और ऑपरेंड्स को क्या करना है, सिंपल एक्सप्रेशंस में ऐड कर देना है। तो ये हो गया आपका टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल पी डिवीजन स्टार ओ एंड एन एन। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट या राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड होगा, जो भी आपका स्टैक यानी स्टैक का टॉप नेक्स्ट टॉप, तब तक सारे ऑपरेटर एक्सप्रेशंस में ऐड करते जाएंगे जब तक कि आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड नहीं होता, उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम रिमूव कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, दिस स्टार, और यहां क्या हो जाएगा, टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल पी डिवीजन स्टार ओ एन, एंड क्या होगा, स्टार पहले टॉप वाला ऑपरेटर देन नेक्स्ट टॉप ऑपरेटर। तो ये सिचुएशन होगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, प्लस यानी ऑपरेटर है। अब यहां पे देखिए ये जो ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस टॉप ऑफ स्टैक के ऑपरेटर से लो है, उस केस में जो अब जिसका हाई प्रेसिडेंस होगा वो यहां ऐड हो जाएगा, एंड लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर स्टैक में पुश हो जाएगा। तो सिंपल यहां पे क्या होगा, प्लस टी एस आर क्यू पी ओ एन स्टार माइनस स्टार, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट स्कैन करते हैं, एम। एम क्या है आपका, एम आपका क्या है, एम आपका ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स को आप डायरेक्ट कहां ऐड कर देंगे, उसको आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे एक्सप्रेशन में। ये हो गया आपका टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल पी डिवीजन स्टार ओ एन स्टार माइनस स्टार, और आपका ऑपरेंड क्या है, एम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, क्लोज पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपका यहां पे ऑपरेटर्स है उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे एक्सप्रेशंस में, तब तक ऐड करेंगे जब तक क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड नहीं होता। तो यहां तक आपका क्या, प्लस वहां पे ऐड हो जाएगा और ये आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो यहां पे आपका हो गया टी एस आर क्यू एक्सपोनेंशियल पी डिवीजन स्टार ओ एन स्टार माइनस स्टार एम, और ये आपका क्या आ जाएगा यहां पे, प्लस। तो ये आपका एक्सप्रेशन फाइनल आ जाएगा, क्योंकि आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है और स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी हो चुका है। तो जैसे ही आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, कोई एलिमेंट आप रीड नहीं कर रहे हैं, यानी आपने एक्सप्रेशन को स्कैन कर लिया लेफ्ट टू राइट, उस केस में यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, यानी ये स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी और नथिंग टू रीड इन इनफिक्स एक्सप्रेशंस। तो यहीं पे आप स्टॉप करेंगे। अब जो आपके पास यहां पे ऑपरेट ये एक्सप्रेशंस आया है, ये किस फॉर्म में है, ये है आपका पोस्टफिक्स फॉर्म में,
यानी जो भी एक्सप्रेशंस है किस फॉर्म में आया है, पोस्टफिक्स फॉर्म में। इस एक्सप्रेशंस को हम अगेन रिवर्स करेंगे, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को रिवर्स करेंगे, जो भी एक्सप्रेशंस होगा वो किस फॉर्म में होगा, प्रीफिक्स फॉर्म में। रिवर्स करेंगे क्या होगा, तो यहां पे आपका प्रीफिक्स रिवर्स द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो आफ्टर रिवर्सल जो आपका बी होगा एक्सप्रेशन, यानी जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस होगा वो क्या होगा, प्लस एम स्टार माइनस स्टार एन ओ स्टार डिवीजन पी एक्सपोनेंशियल क्यू आर एस टी। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमने क्या देखा, एक आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशंस था, उस इनफिक्स एक्सप्रेशंस को सबसे पहले हमने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद जो भी यहां पे लेफ्ट पैरेंथेसिस थे उनको हमने रिप्लेस किया राइट पैरेंथेसिस से, और जो राइट पैरेंथेसिस थे उनको हमने रिप्लेस किया लेफ्ट पैरेंथेसिस से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी इक्वेशन आएगा उसके राइट लास्ट में ऐड कर देंगे हम क्या, राइट पैरेंथेसिस, और जो आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं। अब हम एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट वन बाय वन स्कैन करेंगे, अगर आपका यहां पे ऑपरेंड्स है तो उसको एक्सप्रेशंस में ऐड करेंगे, अगर आपका ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होता है उस केस में हम स्टैक में उसको पुश कर देंगे, अगर स्टैक का टॉप जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस हाई है और जो आप एलिमेंट रीड कर रहे हैं या स्कैन कर रहे हैं उसकी प्रेसिडेंस लो है, उस केस में क्या करेंगे, जिसका हाई प्रेसिडेंस होगा उसको एक्सप्रेशंस में ऐड करेंगे, लो प्रेसिडेंस को टॉप ऑफ स्टैक कर देंगे यानी पुश कर देंगे। अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक में लो प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है और आप स्कैन कर रहे हैं हाई प्रेसिडेंस के ऑपरेटर को, तो उस केस में सिंपल हाई प्रेसिडेंस के ऑपरेटर को हम पुश कर देंगे स्टैक में, यह होगा। अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर्ड होता है उस केस में जो भी स्टैक में आपके टॉप हैं नेक्स्ट टॉप एलिमेंट ऑपरेटर होंगे वो तब तक एक्सप्रेशंस में ऐड होते जाएंगे जब तक कि आपका ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस और लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड नहीं हो जाता, वो सारे ऑपरेटर्स को हम यहां ऐड कर देंगे और जो आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको स्टैक से रिमूव कर देंगे। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशंस को प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम फॉर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। नेक्स्ट एल्गोरिथम फॉर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स ए कॉमा बी, ए इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिटेन इन इनफिक्स फॉर्म एंड बी इज अ एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स फॉर्म After applying this algorithm. First step हमने देखा था अभी example में, reverse the infix expressions. Infix expressions को हम reverse कर दे रहे थे. Make every left parenthesis as close parenthesis and close parenthesis as open parenthesis. Push left parenthesis onto stack and add right parenthesis to the end of A. ये steps हमने अभी follow किए हैं. Scan A from left to right and repeat 5 to 8 for each element of A until the stack is empty. जब तक आपका stack empty नहीं हो जाता तब तक हम left to right scan करते रहेंगे, ठीक है। यह अभी हमने example में देखा, if operand is encounter, अगर आप element क्या है आपका operand है उस case में उसको क्या हम expressions में add कर दे रहे थे, अगर आपका left parenthesis encountered हो रहा है तो उसको stack में push कर दे रहे थे, अभी आपने देखा, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन क्या हो रहा था, अगर कोई ऑपरेटर आ रहा था स्कैनिंग करने में तो रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू बी ईच ऑपरेटर, जो भी आपका स्टैक में ऑपरेटर है वो क्या होता, उसको हम पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू बी ईच ऑपरेटर विच हैज द सेम प्रेसिडेंस, अगर उसकी प्रेसिडेंस सेम है या हाई प्रेसिडेंस देन ऑपरेटर, जो ऑपरेटर आप स्कैन कर रहे हैं
उस ऑपरेटर का अगर प्रेसिडेंस जो स्टैक में ऑपरेटर है टॉप में उसके इक्वल है यानी सेम प्रेसिडेंस या हाई प्रेसिडेंस का है, उस केस में क्या होगा, ये ऑपरेटर्स आपके ऐड हो जाएंगे बी में और ये ऑपरेटर स्टैक में पुश हो जाएगा, ऐड ऑपरेटर टू स्टैक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर आपने एग्जांपल में देखा था कि अगर राइट पैरेंथेसिस आ रहा था उस केस में हम क्या कर रहे थे, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, हम स्टैक से जो भी ऑपरेटर है उनको पॉप कर रहे थे एंड एड टू बी, बी में एड कर रहे थे यानी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ईच ऑपरेटर अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, जब तक कि उस स्टैक में हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता था तब तक सारे ऑपरेटर्स को हम बी में एड कर रहे थे। रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम रिमूव कर दे रहे थे। जब हमें यहां पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा उसके बाद हम उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या कर रहे थे, रिवर्स कर दे रहे थे, वही आपका फाइनल रिजल्ट था और हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल एल्गोरिथम है किसके लिए, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस, इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।